89 पे पूरी टीम लुढ़क गई और 360 रन से ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्यों वैसे घबराया हुआ है, वरना वो एक इनिंग से भी आराम से ये मैच जीत सकता था। 216 रन की तो लीड ली हुई थी उन्होंने, लेकिन चले अपने बॉलर्स को रेस्ट भी देना होता है एंड सारी बातें अपनी जगह पे, वरना ये एक इनिंग्स की हार आनी थी पाकिस्तान की। 89 पे काम तमाम हो गया है और एक सेशन से बस थोड़े सा ज्यादा, मतलब अगर ये पोस्ट टी का सेशन होता तो उसमें 30 से ज्यादा ओवर फेंके जाते हैं, तो उतने में ही एक सेशन में ये पूरी टीम हमारी लुढ़क गई है। तो ये जनाब हमारी टीम की पूरी काबिलियत है और ये इनकी सलाहियत है। जब जब भी ऑस्ट्रेलिया का टूर होता है तो हम सोचते हैं कि शायद के पिछली दफा से कुछ बेहतर कर जाएंगे, लेकिन वो पिछली दफा से भी और भी बुरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 में पाकिस्तान 490 के चेज में 450 तक पहुंचा, फिर एक मैच में जिसमें 200 किया आजहर ने, ऐसा लगा कि शायद मैच ये ड्रॉ कर लेंगे। 2019 में जाते हैं तो दोनों मैच एक इनिंग्स की डिफीट मिलती है और अभी आज 360 रन की डिफीट मिली है। तो बजाय इसके कि बेहतरी की तरफ जाने के, हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है और रिवर्स गियर ऐसा लगाया हुआ कि शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। जो अपने पाकिस्तानी दोस्त मजाक उड़ाते हैं इंडिया का, 36 पे ऑल आउट, थोड़ी सी शर्म हया होनी चाहिए। 36 पे ऑल आउट होने के बाद जो हुआ वो नहीं बताते कि तब क्या हुआ था। उसी टीम को उसी सीरीज में उन्हीं के घर में वो सीरीज हरा के आए थे। तो आप 89 पे आउट हो गए हैं, तो आप में इतना क्या दम खम है कि आप कह लेंगे जी अगला मैच आप बचा भी सकेंगे? तो कोई इनकी परफॉर्मेंस पे किस किस पे बात करें, बॉलिंग पे बात करें, बैटिंग पे बात करें, इनकी कैचिंग पे, फील्डिंग पे बात करें, माइंडसेट पे बात करें, क्या एक एक चीज इनकी जो है कोई इस काबिल नहीं है कि ये जाके वहां पे कम्पीट कर सकें। हम थोड़ी इनसे कह रहे हैं कि जाके तुम थ्रेशिंग कर दो ऑस्ट्रेलिया की, उनको तुम कुटकुटा के आ जाओ, लेकिन इस तरह शर्मनाक हार, शर्मनाक भी शायद ये सबसे मैं हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस, एक सेशन तुमने खेला है और 89 पे पूरी टीम लुढ़क गई है, ये हाल है इनके। और वी अंडरस्टैंड इट्स नॉट इजी टू फेस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक, लेकिन ऐसी भी क्या क्यामत आ गई कि तुम लोगों से मतलब इतने रन भी तुम नहीं करते कि थोड़ा सा फेस सेविंग किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सको। फेस सेविंग वाली परफॉर्मेंस भी तुम दिखाने योग्य नहीं हो, किस किस का नाम लें और किस किस की बात करें। तो अंदाजा तो था ही, कल ही आपसे कह दिया था कि ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया ये मैच, बस अब देखना ये है कि ये कितने मार्जिन से वो जीतेंगे या पाकिस्तान कितनी हद तक रेजिस्टेंस दिखा पाएगा कि मैच में रहे या मैच को थोड़ा सा आगे लेके चले। तो ना कोई रेजिस्टेंस दिखी है, ना ही कोई फाइट बैक दिखा है, बल्कि उन्होंने तुन के रख दिया और ऐसा प्रोग्राम पूरा ही वाड़ के रख दिया। 89 पे पूरी टीम लुढ़क गई है, तो शर्मनाक हार का जो सिलसिला है वो 14 से 15 पे पहुंच गया एंड 2 मैचेस टू गो, और उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ खास करेंगे। तो जी मोहसिन अली साहब, शर्मनाक तो शायद छोटा वर्ड्स है, आप अपने समझ बूझ के मुताबिक अल्फाज ऐड कर दें बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले तीन चीजों पे बात करना चाहूंगा। कल आपके किसी ने सवाल भेजा था कि फलाने ने कहा है कि पाकिस्तान 350 कर लेगा चेस या 450, तो मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि 200 कर लें तो मैं मान जाऊंगा इनको 200। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी रात को कि ये इसी स्कोर पे डिक्लेयर कर दें 300 पे ही तो पाकिस्तान नहीं जीतेगा। तीसरी बात मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि ये 50 ओवर खेल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। चौथी बात मैंने आपसे की थी आज ही रात को भी सुबह, तो खैर हम बाद में आते हैं, कि अगर ये आपके इमाम स्कोर कर गए, और मुझे लगता है जब हम आएंगे लाइव 4-5 पाकिस्तान के आउट हो चुके होंगे। रिजवान अगर देखें, आप जितना मर्जी, आपसे मुराद है जो जितना मर्जी मेरे क्वेश्चन करे, मुझे लेट डाउन करने की कोशिश करे, मेरे खिलाफ बकवास करे, देखें जब आप खुद क्रिकेट खेलते हैं ना, आपको बाकियों से, आप वो गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेलते, होता है गली में बच्चों के साथ भी क्रिकेट खेली जाती है, कुछ ऐसे ही यूट्यूब पे एक्सपर्ट भी बन गए हैं जिन्हें ये पता नहीं है।
देखिए आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि आप जैसा सीजन जर्नलिस्ट अगर ये कहे कि ये 90 ओवर खेलेंगे तो ऑनेस्ट टू गॉड आई वाज सरप्राइज्ड। मुझे नहीं लगता था कि ये 50-60 ओवर खेलेंगे और मुझे 200% श्योर था कि ये शानू सरफा असरफराज का सुने 2016 में 6 दफा आउट किया स्टार ने, 2021 ये 22-23 में 2 में से 2 दफा आउट कर दिया, 8 दफा आउट कर चुका है, 28 रन है सरफराज के टोटल, 28 रन में 8 दफा आउट कर चुका है मिचेल स्टार्क। और आप भी मैं देख रहा हूं कुछ लोग मुझसे शेयर कर रहे हैं फलाना ब्लैकमेलर के जी सरफराज तो क्या डोमेस्टिक का मैच खेलने गया ऑस्ट्रेलिया में, आर यू प्लेइंग अ डोमेस्टिक मैच इन ऑस्ट्रेलिया? डोमेस्टिक में अभी 200 कर रहा था, 200 डोमेस्टिक में कर रहा था अभी। कौन सरफराज? और यार यहाँ आउट नहीं देते, उनके घरों में गनमैन पहुंच जाते हैं, आपको नहीं पता, आपको सारा पता है। आप इंग्लैंड में भी बैठ के अगर आप डर रहे हैं बोलने से तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि घर में गनमैन चले जाते हैं, पिस्टल लेके उठा के ले जाते हैं, मेरे से ज्यादा कौन जानता है इस कल्चर को और इन लोगों। अगर किसी माई के लाल ने अपनी माँ का या डब्बे का या गाय का दूध पिया, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि ये होता है। अगर किसी में हिम्मत है मुझे सू कर दे, अगर मैं उसको नंगा ना कर दूं, मेरा नाम मोहसिन नहीं। बात ये है इससे पहले होता रहा है, 14 टेस्ट हारे हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन रिजवान इससे पहले ये कभी नहीं हुआ कि एक टीवी फाड़ने वाला 1.5 फुटिया जो है वो कहता था मैं इंटेंट दिखाऊंगा, शो बीवियां ले जाऊंगा, वहां पे जाके पाकिस्तान के कौम के पैसे पे अयाशी करूंगा, ये कोई नहीं कहता था। शानू द किंग द इंग्लिश लिटरेचर मास्टर, वी विल सी दैट टाइम विल टेल व्हाट वी विल डू, रिजवान अदर आई कैन स्पीक मच बेटर इंग्लिश देन देम एंड एट इवन इज दिस एज आई कैन प्रूव यू वंस माय आईज आर फिक्स्ड आई कैन प्रूव यू आई कैन बैट स्टिल बैट मच बेटर देन दिस एंड आई कैन कैप एट 53 much better than Sarfu bhai because tayari pakde agle match ki boxing mein sune yaar aap lighter note pe le ja rahe hain bhai jab is baat ko serious le aap is baat ko serious le aap ise mazak mein nahi le baat ye hai aap bad kare boxing mein aap bhi jaake kuch kare ab match khatam ho gaya main chup nahi hunga ab sunna padega aapko suna zara 2 minute ke liye abhi meri baat sune aap tasalli se aapne kaha ki koi bhi le aaye नतीजा यही होता। देखें पर्थ में ये वो पर्थ नहीं है लेकिन फिर भी मैं मानता हूं नहीं तो कि आप पर्थ में नहीं करते कि कोई भी यार ये बात करने में फिर आप बोलिएगा वो मेरे लफ्ज इधर उधर हो जाएंगे। पहली बात तो ये है आप कभी भी अपना कंपैरिजन इंडिया से नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में, नहीं ना एज ए कंट्री ना एज ए मईशत ना एज ए पीपल ना एज ए प्लेयर ना एज ए इकोनॉमी ना एज ए स्पोर्ट्स, किसी जगह भी आपका कंपैरिजन बनता है इथोपिया युगेंडा और इस तरह के मुल्कों से, ना इनके साथ ना किया करें। सीधा कह रहा हूं आपको, सुने अब बात यह है कि देखें इन्हीं ये जो 18 गए हैं ना इन्हीं में मैं आपको थोड़ा सा आगे पीछे कर दे, अब सुन लें खिलाएं ना खिलाएं ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप मुझे टीम का इख्तियार दे रहे हैं तो लेट मोहसिन अली डिसाइड। हाँ आफ्टर द मैच यू हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन मी माई इंटेंशन। देखो मेरी टीम हार जाएगी, मैं ये दावा नहीं करता कि इन 16 लुगड़ों में से मेरी टीम जीत जाएगी, मैं ये दावा करता हूं कि यही टीम, मैं भजन आपको बता दूं मैं अपने बाप का लिहाज नहीं करता अगर मैं पिंडी रीजन का चेयरमैन रहा। तो आपने सेलेक्टर बनना है ना ही कोई बात वो करें जो होने वाली है। यार आप बार बार अनुराग के आप मुझे कहते रहे, आप मुझे जवाब ही नहीं देने दे रहे आप इसका, जवाब तो देने देना मैं जो बात होनी नहीं जवाब देने दे करने की क्या जरूरत है सर, टाइम क्यों जाया होगा, जवाब ले लेना आप बन जाएंगे मुझे इंटरप्ट ना करें 30 सेकंड में जवाब दे बात का फायदा नहीं यार 30 सेकंड में जवाब तो ले लेना बन गए चीफ सेलेक्टर आप क्या करेंगे यार आप जवाब तो ले लेना रिजवान साहब क्या करेंगे चीफ सेलेक्टर बन गए चीफ सेलेक्टर आप जवाब ले चीफ सेलेक्टर उनके टूटी है हमें पता है इनका जितने ये पानी में बन गए सारी अथॉरिटी आपको मिल गई पाकिस्तान की टीम की आप बताएं क्या करेंगे 30 सेकंड दे दे मुझे ओनली 30 सेकंड प्लीज सुने ओपनर आपका सैम है और अब्दुल्ला शफीक है नंबर 3 पे यही शानू द किंग आपका ओपनर कप्तान तीसरे नंबर पे कप्तान है
चौथे पे बाबर है, पांचवे पे सऊद शकील है, छठे पे जनाब आप फौरन से पहले जो है वो लेकर आए, देखे पांच बहुत है, छठे पे रिजवान, सातवे पे जनाब आपको कोई जरूरत नहीं है पंगेबाजी लेने की, आप सीधा सीधा वसीम जूनियर सात, आठ पे आपने रिजवान हैदर, एक स्पिनर खिलाना है इब्रार अगर फिट हो गया, नहीं तो साजिद, नौ नंबर पे आपने आमिर जमाल, दस पे खुर्रम शहजाद और ग्यारहवा पे आप हसन अली, नो शाइन शाइन योर टीम, नो सैफू इन योर टीम, नो इमाम इन योर टीम, नो शाइन शाइन योर टीम, बिकॉज आई डोंट देंगे वो टीम जीत जाएगी, अच्छा करेगी, मैं लिख के देता हूँ ये टीम लड़ेगी, 89 पे नहीं आउट होगी, 450 नहीं करने देगी, लिख के देता हूँ, मैच ड्रॉ कर लेगी। भाईजान बात सुने, इतनी इतनी ज्यादा तेजियां आप ना दिखाएं, मैं आपसे कह रहा हूँ फाइट करेगी, फाइट करेगी, मैच ड्रॉ कर लेगी, 30 ओवर में नहीं आउट होगी, चैलेंज है मेरा, तो 150 पे हो जाएगी यही टीम, तो 150 पे हो जाएगी, मैं दे रहा हूँ, तो 150 पे हो जाएगी, तो क्या कमाल हो जाएगा, 150 पे भी आउट नहीं होगी, चैलेंज कर रहा हूँ, और बात सुने, या यूट्यूब पे बैठ के जर्नलिस्ट और कीपर एक्सपर्ट नहीं बोल रहा, जिसने सारी जिंदगी फील्ड में क्रिकेट खेली है, और ये टीम 150 पे आउट हो जाएगी, तो फिर उससे क्या बोल रहा, मेरे एक्शन जो है ना सारी जिंदगी मेरे अल्फाज से ज्यादा बोलते आए हैं, यही टीम मुझे दे, आप कह रहे 89 पे ये कमाल हो जाएगा, 89 पे आउट नहीं करना, बात ये कि ये टीम, मैं कह रहा हूँ 150 पे आउट होगी, मैंने कब कहा कि 89 पे आउट नहीं होगी, तो ये कमाल होगा, फाइट करेगी, फाइट करेगी, तो आठ बंदे तो वही हैं जो टीम में आपने डाले, हार भी गई ना, देखे पहली बात तो ये रिजवान, आठ तो वही रखे रिजवान टीम के, अगर तो पूरी दुनिया का ना किया कुछ, रिकी पांडे, मैथ्यू हेडन, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, उस 11 में से, और ठीक है आपने जो 11 अभी जिस मैच में खेले उसमें से 6-7 तो इसी मैच के रखे होंगे, तो इस मैच में उन्होंने, तो भाईजान 16 में मैं अपने घर से लाऊं, इन 16 में मैं घर से लेके जाऊं, मैं आपको इन्हीं 16 में बता रहा हूं, ताकि आपके पास ये ऑप्शन भी ना रहे कि भाई आप तो वो लाएंगे, ये मैं इन्हीं में से आपको दे रहा हूं, कोई चेंज नहीं कर रहा, यही जो आप कचरा लेके गए हैं, मैं बार बैठता हूं, सुबह मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजे, तो ये मैं मैच में ऐसा क्या है इनको आप सुना ना यार, पूरी खिलाएंगे कि गेम से टिकट लगाऊंगा, दिखा देंगे अपनी गेम से टिकट लगाऊंगा, मैं पीसीबी के एक पैसे पे लानत भेजता हूं, अपने पैसों से टिकट लूंगा, अगर मैंने इनको इन्हीं गड्डुओं इन्हीं टटुओं को घोड़ा ना बना दिया, कल कोई पूछ रहा था घोड़े और गधे का फर्क क्या, तो आप इनको कौन सी कस्तूरी खिलाएंगे, ये आप बताएं क्या कस्तूरी खिलाएंगे जो अगले मैच में, ये आप कह रहे हैं जी ये ऑस्ट्रेलिया, भाईजान मैं इनको जो जबान ये समझते हैं ना वो कस्तूरी खिलाऊंगा, जो जबान इनको समझ में आती है उसी जबान में मैं इनको बताऊंगा क्रिकेट कैसे खेलते हैं, मेरे पास होगा 16 नंबर का छितर, समझे ना आप, मुझे सारे तरीके आते हैं परफॉर्मेंस कैसे लेते हैं, मुझे पता टटुओं में से कैसे बेस्ट निकालते हैं, मैं आप कल किसी का सवाल था गधे और घोड़े में फर्क क्या है, गधे ये है घोड़े वो ऑस्ट्रेलियन है, ये फर्क है, वो कह रहे हैं जी 8 बैट्समैन खिला के अब 88 पे आउट हो गए, हाँ, तो एक और बैट्समैन खिला के, एक और बैट्समैन कम कर दिया आपने, तो उसमें क्या होगा, यस कराची के लोग कहते थे सैफू भाई, कोई आप पता नहीं कोई कह रहे हैं नए प्लेयर लेके आऊंगा, इनके पिछवाड़ों में आंसू आ रहे हैं और मैं आंसू निकाल के छोड़ूंगा नहीं, अब मैं समझा कि शायद कोई आप नए प्लेयर्स लेके जाएंगे, वो तो आपने सारे यही डाल दिए, सर नए प्लेयर आप मुझे देंगे, इतनी लिबर्टी आप इतने अच्छे हैं, मैं आपको इन्हीं में से खिला के दिखाऊंगा, मेरा टिकट मेरे पैसे मेरी मर्जी, मैं आपको इन्हीं टटुओं को अगर घोड़े ना बना दूं तो मेरा नाम रोशन नहीं, आप बोलेंगे जी मैं मैच ड्रॉ करवा के आऊंगा ऑस्ट्रेलिया से, तो इसी मैं लाने जीतने की बात नहीं हो रही कि मैच में ड्रॉ करवाऊंगा इनसे, ड्रॉ कवर लोग करते हैं, मैं जीत के लिए जाऊंगा या हारूंगा या जीतूंगा, ड्रॉ क्या होता है, व्हाट इज ड्रॉ, ड्रॉ डजंट एग्जिस्ट इन माय बुक, मैं जीत के लिए जाऊंगा या हारूंगा खत्म, ये ड्रॉ क्या होता है, यही से तो आप बढ़ जाते हैं प्रोग्राम आपका शुरू होने से पहले, जो कि हो जाएगा फिर जीतेंगे, आपसे ड्रॉ ही नहीं होता, आपने जीतना क्या है वहां पे, पहले दिन आपने जब ये एक दिन पहले टीम उतारी आपकी टांगें वहां में उठ गई थी,
सात बैट्समैन खिला रहे हैं और सैफू भाई, शानू भाई, इमामू भाई, अब्दुल्लू भाई, सूदू भाई, ये कराची वालों की नजर लग गई है। ये हमारा है, हमारा है, तुम्हारा ही है। ये बात पहले रमीज राजा भी बोलता था, फिर वो क्या नजम सेठी भी बोलता था, जका अशरफ भी, अब हफीज भी, और अब आप भी लाइन में लग गए हैं। अब आप कह रहे हैं जी मैं होता तो मैं, ये तो ये जो मैं बाकी भी सारे करते थे ना, तो रिजल्ट यही निकला। मैं 50 लाख तनख्वाह मांग रहा हूँ, इन प्लेयर से ऑस्ट्रेलिया में यही रिजल्ट निकलना है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो आप प्लेयर दे दें, इनके आप प्लेयर दे दें, फिर आप प्लेयर दें मुझे, मैं वो ले जाता हूँ, चले दें। तो है ही नहीं ना, कहाँ से दें? तो फिर भाईजान जो है उसी के साथ खिलाने दें। तो वही कह रहा हूँ, हमारे पास प्लेयर ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जीतने। ये जो आपकी सोच है ना, ये सोच कभी आपको नहीं जीतने देगी, क्या हम तो यू ही थे, तो फिर यू ही रहे, फिर यूं ही रहे। अब आप तो इंग्लैंड में चले गए अच्छे होने, हमें क्यों मरने के लिए यहाँ छोड़ गए, फिर हमें भी जाने दें। आप तो बताएं ना कि जी प्लेयर तो आपने मैंने तो बताया, आप किसी तरह आई नहीं रहे। क्या जी उसने भी ये कहा था, उसने भी ये कहा था। रिजवान आप मुझे जानते हैं, उनको जानते नहीं है, मेरे को आप जानते हैं। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, व्हाट एवर आई से आई विल डू इट। भाई आप मुझे दें, सुबह मेरी टिकट मैं कराऊंगा, आप मुझे भेजें, मुझे कहें ये 18 लड़के हैं, आप अपनी टीम उतारें। अगर टीम सही नहीं खेली तो मोहसिन अली दोबारा ना टीवी पे आएगा, ना जर्नलिज्म की बात करेगा, ना क्रिकेट की बात करेगा, खत्म। और सबसे पहले पाकिस्तान उनका चाहिए, ये इनको बैन करें, ये जो टीवी में भौंकते हैं आके पाकिस्तान टीम के खिलाफ। तो जब 89 पे आउट होंगे तो टीम के खिलाफ ही बोलेंगे और तारीफें करेंगे भाई जान, टीम पे बोले ना, एक ही को पकड़ लेते हैं टीम पे बोले। पाकिस्तान की बेहतरी का सलूशन हमें मिल गया, मोहसिन अली साहब ने अपनी सर्विसेज ऑफर कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि अगर वो इनको भेज दें तो पाकिस्तान की टीम को ये जितवा के, या जितवा के नहीं तो नहीं, ये कह रहे हैं या हारेंगे या जीतेंगे, तो हार तो पहले ही रहे हैं, तो जीतने वाली बात करें, फिर मोहसिन अली साहब जितवा के आएंगे। तो अब ये हम सारे पिटीशन दायर करते हैं कि जका अशरफ साहब फौरन से पहले हफीज को वापस भेजें और मोहसिन भाई को भेजें वहां पे, ताकि ये पाकिस्तान को, ये जो 15 मैच हार चुके हैं, तो 16वें मैच में जाके कोई बेहतरी हो जाए। और भाईजान अगर पहुंच गए तो बॉक्सिंग डे वाले मैच में कमाल दिखा देंगे। भाईजान हर्षदीप ने आग लगा दी है, 52 पे 5 साउथ अफ्रीकी आउट, 52 पे इस 300 वाली विकेट पे टॉस जीत के 52 पे 5 उनसे जिनसे मुकाबले करने चले हैं वो साउथ अफ्रीका वेंडर्स में, जो बैटिंग पैराडाइज है, 52 पे 5। वैसे आपके भी इतने ही 54 पे 4 आउट थे, तो करीब करीब ही जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ जा रहे हैं। लोग छटा भी लिख रहे हैं। अच्छा वो मैं, ओहो हसन बंद कर गया, मैं वो मैच दूसरा लगा हुआ था हसन भाई जान। आप हम पिटीशन, हम ये पिटीशन दायर करेंगे, आप पहुंचे, हमें बड़ी जरूरत है मेलबर्न क्रिकेट भाई जान। आप अभी मजाक उड़ा रहे हैं, कल आप कहेंगे नहीं, मैं आपका, आप झूठ बोल ही नहीं सकते, ये आप किसी और को बेवकूफ बनाना। जिसको मैं तस्वीर में देख लूं मैं उसका बता देता हूं, जो 4 साल सुबह दोपहर शाम मेरे साथ रहा मैच लगाओ इंडिया वाला, वो क्या तो कहते हैं, मुझे कह रहा है कि मुझे नहीं पता रिजवान हैदर, अल्लाह ने मुझे इतना इलम दिया, हमारी खुशी में इतना इलम था कि हम बंदे का बता देते हैं। छोड़े आप, भेजे भेजे दूध का दूध पानी का पानी, लाउड माउथ तो बंद करना है ना, मुंह भेज दे दूध का दूध पानी का पानी, खत्म। मैं अपने पैसों से जाऊंगा, जितने का टिकट है मैं दूंगा। चलो मैं अब बगैर हंसी के संजीदा फेस बना के 8000 दोस्त के मौजूद। ये देखे ये संजीदा है आप या रंजीदा, यू आर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ मोहसिन अली बट यू विल नॉट बी एबल टू डू सो, आई एम टेलिंग यू, जस्ट सेंड मी, just bring it and then see the results. तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे PCB को टैग करके कि गिव चांस टू मोहसिन अली, वेरी सीजन जर्नलिस्ट,
and he will go to Australia and at his own अपने पैसों पे और TADA भी नहीं लेंगे भाई साहब कुछ नहीं मैं बाहर रोड पे सो जाऊंगा अगर मेरे पास पैसे ना हुए संदूकते में सो जाऊंगा गोरियां पकड़ के ले जाऊं उनके साथ चला जाऊंगा लेकिन एक पाई नहीं लूंगा ना कोई टिकट लेंगे ना डेली अलाउंस लेंगे ना कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं और जाके उनके साथ खेलूंगा 52 पे 6 आउट हो गए अफ्रीका के वाह जी वाह वो भी 89 का टारगेट है 89 से पहले आउट कर लेना और सुदीप 4 अवैश 2 गुस्सा में मुझे KL राहुल उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं सुसर साहब से कह के गया अगर अपने घर वालों से कह के जाता ना कुछ ना होता सुसर से कह के गया डोंट वरी डैड आई विल डू इट अब तो भाईजान भट्टी पे ट्वीट करना पड़ेगा अब तो सुसर से अन्ना शेट्टी वरना अब मेरा इश्क है तू अब हम तुम पे मरते हैं अब तो नहीं छोड़ेगा भाई वो सुनील शेट्टी ने क्या दिया ना अब नहीं छोड़ूंगा मैं तो बस भाई 89 से नीचे रोकना अपने 89 का टारगेट है 52 पे 6 आउट है तो वहां पे भी T10 ही चला हुआ है एक किस्म का एनीवेज ऑन अ सीरियस नोट बहुत ही शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस दिखाई है और सुना आपका कप्तान क्या कह रहा है वेरी बगारतों की तरह असरा प्रेजेंटेशन में Very positive performance in this game. Bowling and batting. We need to play fast in batting. Middle order batter need to play fast and stable. अच्छा जी आगे क्या कह रहा है? Middle order पे डाल रहा है. अपना नहीं बता रहा है. शानू द किंग दंदर शाह. अबे बता रहा अपना. 200 मारा था. यहाँ पे 33 रन किए 2 इनिंगों में. हैं? ये 200 था तेरा. और middle order. तेज खेलने की जरूरत है वो 70 गेंदों में 8 रन खेल रहा था इमाम ये तेज खेलते हो तुम लोग पॉजिटिव क्या बता रहा है क्या पॉजिटिव निकला भाई कह रहा है बैटिंग और बॉलिंग में हमारी बहुत पॉजिटिव है 89 पे आउट हो गए पॉजिटिव है 487 रन करवा दिए पॉजिटिव है 225 रन करवा दिए पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है इसके दोबारा पढ़े मैं ये बात नहीं मानता 89 पे शान मसूद अभी आप मानेंगे अभी मैं बनवा के छोड़ूंगा A lot of positives for us in batting and bowling. We need to play fast in batting. Middle order batters need to play fast and step up. अबे तेरा मिडिल ऑर्डर ही ने तो कुछ थोड़ा बहुत किया तू तो शानू द किंग उठा के टांगे भाग गया था तेरा मिडिल ऑर्डर सलमान 28 है ये साउथ के 14 है 24 है तूने क्या किया 2 आप जितना मर्जी कहे बाबर के ही सेकंड हाईएस्ट है दूसरी इनिंग में 24 के बाद 14 पाकिस्तान की 10 साल में ये अंग्रेजी लिटरेचर और इसके अकाउंट है 10 साल में पाकिस्तान 89 पे नहीं आउट हुआ एक डेकेड का रिकॉर्ड एक तो किसने गले में जूतियों का हार डाल दिया पूरी कौम के और इसके बैकर्स को तो मोटा डंडा उस पर लगा और सरसों का तेल कड़वा जमया दा तेल तो फिर ये होण ते मैं होवा फिर देखो शुगल तुसी अच्छा जी 14 करके सेकंड हाईएस्ट हो गया बाबर तो क्रिटिसिज्म से आजाद हो गया 14 घंटे के बाद भाई जान कुछ खुदा के वास्ते सैफू में भी बोले कुछ शानू में बोले कुछ अब्दुल्ला में बोले कुछ इमाम में बोले कुछ शहीन में बोले कुछ तो बोले बाबर के अंदर से निकले उस पे भी तो बोले तो कह रहा जी ऑस्ट्रेलियन अटैक से सीखा है हमने चलो हाँ ठीक है माँ का सिरा सीखा लंगड़े लूले टट्टू ले जा के सीखा ओए शर्म करो आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद को 21 तोपों की सलामी दो उनकी चुमिया लो क्या उन्होंने तुम्हें बेगार तो फिर भी 14-15 विकेटें दिलवा दी और वो देखो शाहीन अफरीदी
120 की स्पीड में तो हसन भी बॉलिंग कर लेगा, ये और बात है ग्राउंड में सिलसिला आएगा अगर ये दौड़ेगा तो, 120 में तो ये भी बॉलिंग कर लेगा। गोलू जी कह रहे हैं आज की पाकिस्तान की सिचुएशन देख के एक ही बात याद आती है कि सोचना भी मना है। When asked about winning in Australia, क्या ईगल और बॉब सीकिंग, बस जी कोई देखिए बॉब सी में ही सारा है, क्योंकि सम और इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली ये खुद कंपैरिजन करते हैं बॉब सी का। जीएस कह रहे हैं प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दिस पाकिस्तान टीम टू परफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन द प्रीवियस बैटर्स टीम्स इन द अर्ली 2000 कुड नॉट मेक एनी नोटेबल। देखें बात वो ठीक है आपकी कि वो अच्छी टीमें नहीं कर सकी तो ये तो मीडियोकर से प्लेयर है, लेकिन अब उसी में रहेंगे जी, चलो 14 मैच आ रहे हैं तो 15 भी हार जाए, 16 भी हार जाए, 17 भी हार जाए, कभी ना कभी तो बेहतरी होगी ना। तो ये अब प्लेयर्स का बात ठीक है आपकी, जब 2000 वाले स्किल सेट ही नहीं है और ये इस काबिल नहीं है, लेकिन कुछ कभी तो बेहतरी की उम्मीद रखे ना, या वही सोचते रहे। ऑस्ट्रेलिया एट होम, रिजवान साहब ऑस्ट्रेलिया एट होम सुन ले, 2016 में ऑस्ट्रेलिया एट होम सिंस नवंबर 2016 वर्सेस इंडिया 8 मैच 2 जीते 4 हारे 2 ड्रा वर्सेस रेस्ट ऑफ द टीम्स, ये जरा सुनिएगा रेस्ट ऑफ द टीम्स 27 मैच 24 जीते 3 ड्रा किए कोई भी नहीं हारे, उसमें इंडिया के भी ड्रा है सिडनी वाला और इंग्लैंड वाला, उसमें वो भी ड्रा है। इंडिया के अलावा कितने मैच खेले, 27 में से 24 जीते हैं और 3 ड्रा है, 3 ड्रा में एक इंडिया वाला भी ड्रा है सिडनी का लास्ट टूर वाला और एक इंग्लैंड का ड्रा है सिडनी वाला ही लास्ट टूर का, तो हारे कोई नहीं। तो भाई जन आप इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं जिन्होंने 8 में से 4 दफा इन्हें पहला है और 2 दफा हारे हैं 2 दफा ड्रा किया है, ये है इंडिया। वो तो बच्चे हैं अभी ताजा ताजा जिनको पता नहीं क्रिकेट का, जो कंपेयर करते हैं कहां इंडिया की परफॉर्मेंस टेस्ट में, कहां पाकिस्तान की। इंडिया 2 दफा फाइनल खेला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, टॉप पे फिनिश किया ग्रुप में दोनों दफा, पाकिस्तान 6-7 नंबर पे होता है। प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट दिस पाकिस्तान टीम टू परफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन द प्रीवियस, ठीक है जी आप, लेकिन बात यह है कि आप कुछ तो अच्छी की उम्मीद रखें कि ना रखें। नहीं आपका शानू ने कहा ना, कहता है व्हेन यू कम टू हियर यू लुक फॉर प्रोग्रेस, इफ यू टोल्ड अस एट द स्टैट्स ऑफ आवर टेस्ट ऑस्ट्रेलिया प्ले 110 ओवर वी प्ले 100 ओवर्स आई हैड टेक दैट एज अ बैटिंग यूनिट इवन दो वी वर प्लेइंग वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इन द वर्ल्ड वी वुड हैव batted a bit quicker, we probably missed out 60-70 runs, mashallah, kabhi zindagi mein suna hai kisi kaptan ne kaha unhone 110 over khele hain, ye nahi bata raha 487 hai, tumne 100 over khele hain ye nahi bata raha 271 hai, gadha nonsense, ye hota hai angrezi jisko zyada hi tedi medi aati ho na usko basics nahi aati, iske backers iske lane wale dekh le ye angrez apne jo इस कॉम पे मुसर वही ठीक था फिर 1947 से पहले, उन अंग्रेजों में क्या फर्क था है भाई, अब क्या फर्क है। अनुराग कह रहे हैं कि उनको भरोसा है मोहसिन भाई आप पे और पीसीबी का चेयरमैन कुछ ना कुछ आप करेंगे जरूर। अनुराग साहब आप मुझे चेयरमैन नहीं टीम दे दे, इसके बाद अगर आपने हाथ ना चूमे तो मेरा नाम मोहसिन नहीं। रोहन वर्मा कह रहे हैं जी ख्वाजे ने 190 गेंदे खेली है और पाकिस्तान 182 तक, ख्वाजा जीत गया, ख्वाजे के रन्स भी है उसके रन्स भी ज्यादा, ख्वाजे के तो पाकिस्तान के 89 है, ख्वाजा रनों में भी जीत गया पाकिस्तान से एक रन से। ऐसा ही है भाई। और सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी फैंस 36 पे आउट है, 36 पे आउट, इसी पे खुश है कि 36 पे आउट नहीं हुए, बस उन बेशर्मों को बस अब क्या बोले बंदा, ऐसी वैसी कोई बात निकल जाएगी सुबह सुबह मुंह से कि 36 पे आउट तो हुए थे, तो उसके बाद जो हुआ था वो कौन बताएगा। उसके बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच वो जीते, सिडनी वाला उन्होंने ड्रॉ किया और फिर आखिरी ब्रिस्बेन वाला टेस्ट मैच कम टू गाबा वाला वो जीते और वो सीरीज भी जीत के आए। तो जो कह रहा है कि जी चलो 36 पे तो आउट नहीं हुए, तो उनको बोलो 36 पे ट्रेलर है, मूवी तो आगे है जो स्टार्ट हो रही है, तो वो मूवी पूरी आप बताएं ना, पूरी फिल्म आप चला के बताएं कि हुआ क्या फिर,
36 पे आउट हो गए, हम 36 पे नहीं 89 पे आउट हुए, बस इतने में ही खुश हैं कि चलो 89 पे आप आउट हुए, 36 पे नहीं हुए, तो बाकी तो अगले दो मैच जीत के आए हैं। तुम 30 साल हो गए वहां पे मैच नहीं जीते, 95 में जीते थे, 28 साल पहले तुम कोई एक मैच जीते थे, 14 के बाद अभी 15वां मैच मुसलसल तुम हारे हो, जिसमें से 90% वन साइडेड मैचेस होते हैं, या तो तुम 200, 250, 300 जैसे अभी भी 360 के रन से हारे हो, या तुम एक इनिंग से हारते हो, तो इस तरह के तुम मैच हारते हो, तो फिर भी मतलब लगे हुए मजाक उड़ाने के जी 36 36 36, बस 36 के बाद वो तो जीत के आ गए, दो दफा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, तुम लोग तो एक मैच नहीं ड्रॉ नहीं कर सकते, जीतना मैच तुम तो एक सेशन जीत जाते हो बड़ी मुश्किल से, जो 15 सेशन का मैच होता है, अगर 15 तक काम पहुंचे तो, वरना तो 10 11 में फारग हो जाते हो, तो उसमें से कोई एक आधा सेशन कभी कभार जीत जाते हो, तो अगली टीम जो है वो सेशन क्या पूरे पूरे मैच और फिर सीरीज भी जीत के आई हुई है, कोई थोड़ी सी बड़े बंदे में शर्म यहाँ होनी चाहिए। नसीब कह रहे हैं जी मोहसिन सर ऑलरेडी सेड पाकिस्तान वोंट स्कोर इवन 100, तो भाईजान आपने 100 बोला था, छोड़े यार मैंने जो बोला था, एक आपने मैसेज जवेश का पढ़ना चाहिए था, चैट थी उसने कहा मोहसिन तो रिजवान के बगैर पिंडी स्टेडियम नहीं जाता, वो ऑस्ट्रेलिया क्या जाएगा, तो तुम्हारे कोई सुपर चैट नहीं आया अभी यार आपको आया वो। अच्छा चले मैं इसका भी जवाब, इसका भी जवाब दे देता हूँ, उसका भी दे देता हूँ ना, दोनों साथ ही एक ही जैसे है, पहले इनका दे देता हूँ। नसीब देखे जी, नसीब साहब मैंने ये अर्ज किया था रात को, एक सवाल सुपर चैट आई थी रिजवान साहब को कि जी फलाने कह रहे हैं पाकिस्तान, मैं नाम नहीं लेता किसी का क्योंकि अच्छा नहीं लगता, हर कोई अपनी जगह रिस्पेक्टेबल होता है, काम करता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैंने ये कहा था उस पर कि अगर पाकिस्तान 200 करेगा ना तो मैं इन्हें मान जाऊंगा, और सुबह मैंने रिजवान साहब से कहा था कि जब हम सुबह आएंगे ना रिजवान साहब रात वाले शो में, तो अगर इन पाकिस्तान बैटिंग कर रहा हुआ तो 4-5 आउट इनके हो चुके होंगे एक सेशन में, वो शो पड़ा हुआ रात का, आप चेक कर लीजिए। और आखिरी बात, रिजवान साहब गए थे 22 तारीख को, 21 की रात को, तो अभी मैंने खुर्रम शहजाद को पिंडी स्टेडियम में नहीं तो अमेरिका में जाके प्रैक्टिस करते देखा और आंखों देखा हाल बताया था। मैं इसलिए नहीं जाता कि मैंने ना मुफ्त की रोटी खानी होती है ना पानी, और मुझे इनका पता है how senior you are. Sarav Kumar kar jana, hi Mohsin bhai sir, love your analysis. Hello. Couple of new Thank players you. At the Pakistan side, it's okay for them if they learn from the first test and bounce back strongly. Dekhe Sarav sir, thank you very much. Pehli baat to hai, if they learn, this is the million dollar point, ke if they learn. Rizwan Adar, I put this question towards you, can they learn? Perhaps isse shayad thodi achhi performance dikha lein सिडनी में और एमसीजी में, इससे थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है, बट आई डाउट देम विनिंग, और ड्रॉ भी मुश्किल ही लग रहा है जो कि सच्ची बात है, लेकिन एटलीस्ट कुछ बेहतर परफॉर्मेंस तो आनी चाहिए, और आई थिंक दे विल डू बेटर देन दिस, स्पेशली इन सिडनी और एमसीजी में, इस मैच से कुछ बेहतर कर लेंगे। लेकिन देखें अफसोस की बात तो ये है ना कि ये बहुत बेहतर करके भी जीतने वाली इनकी हालत नहीं है, और ड्रॉ करने वाली भी बहुत बड़ा ये तीर मारेंगे, अपनी औकात से बढ़ के खेल लेंगे कि अगर ये ड्रॉ भी कर गए तो, एट द मोमेंट तो ऐसा मुश्किल लग रहा है, और आई डोंट थिंक दे वुड बी एबल टू। अच्छा बदकिस्मती ये होती है रिजवान साहब, जब हमारी कोई बात गलती से गलत हो जाए तो लोग, अब इनके पास कुछ नहीं होता तो आगे बेचारे आए बाएं शाएं ऊपर नीचे। मीर हमजा इन प्लेस ऑफ फहीम स्टोक्स, कोई वजह नहीं होगा, अगर शाहिन शाह अफरीदी हुआ और मीर हमजा आया, ये नुमान और नवाज वाली बात होगी, कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको भी बता रहा हूं। ऋषि अरोड़ा कह रहे जी यूजिंग सेम लॉजिक, आप मुझे इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बना दें, मैं फ्यूचर के सारे आईसीसी टूर्नामेंट जीत लूंगा। ये आप पे भाईजान अटैक कर रहे हैं यार, आपने जो बोला कि आप मुझे बना के भेज दें, रात को ये बेचारा कोच हफ्ता इतवार जब आता है ना, ये रात को बेचारे की ज़हनी संतुलन जो है खो जाता है। अब आई डोंट वांट टू से हियर बिकॉज़ इससे एक बड़ा तालुक रहा है मेरा, इसको कहे अगर इसमें हिम्मत है तो ये बन जाए, इसे अगर इतनी क्रिकेट आती है तो मैं अपना बन जाता हूँ, लग पता जाएगा इसमें दूध का दूध पानी का पानी,
मैं इनकी तरह दो दो मिनट में पल में तोला आप इंडिया आप इंडिया और वी विल नॉट वॉच आई विल नेवर से दैट के वी विल नॉट वॉच वी विल स्टैंड बाय वी विल रिमेन इन द सिस्टम एंड वी विल ठोकेंगे देम जब तक हम इन्हें ठोकेंगे नहीं हम वो जर्नलिस्ट नहीं है या वो क्रिकेट एक्सपर्ट जो पेड माफियाज हो हम बात करते मेरे तो देखे ऋषि अरोड़ा के मूछे नहीं निकली थी उस वक्त मेरे आर्टिकल आ गए थे तो ये बताने की कोई बात है यह तो बेचारा निक्कर में नहीं फिरता होगा 2000 में जब मैं पहला आर्टिकल और पाकिस्तान की टीम का बता चुका था 84 में बता चुका था कि इनका क्या हाल है यह तो पैदा भी नहीं हुआ होगा 84 में। हाँ भाई ऋषि अरोड़ा तुम निक्कर में घूमते थे और बगैर अभी भी निक्कर में घूमता है ये अभी भी लोग भेजते हैं मुझे तस्वीरें तो ऋषि अरोड़ा आप चैलेंज कर रहे हैं मोहसिन अली साहब को और आप तब निक्कर में भी नहीं पहनते थे जब भी इनका आर्टिकल भी छपा हुआ था तो आप जरा तो पढ़ा हुआ ना रिजवान बात यह है कि मैं तो अभी कहता हूँ आप डालें गूगल पे निकल आएगा इसको क्या दिखाए पेंट में तस्वीर हाँ भाई दिखाओ भाई तुमने ऋषि अरोड़ा कह रहे हैं कि पहली दफा जब पेंट पहनी थी तो मैं तब भी इस्टेब्लिश जर्नलिस्ट था तो अब तो बात तो आगे चली गई है अब तो कोई फोटो भेजना पड़ेगा बाकी चले अब पिटीशन सारे लोग 8,500 लोग हैं तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ट्विटर पे लिखें टैग करके और इंडिया नंबर 1 पे आ गया रिजवान साहब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग दे रहे हैं मोहसिन अली साहब जाएंगे टीम को ज्वाइन करेंगे कुछ को बाहर करेंगे कुछ को टीम में डालेंगे और खास एक कस्तूरी जो साथ लेके जाएंगे वो खिलाएंगे उनको से मैं बाहर से भी कुछ नहीं मांग रहा पैसे भी नहीं मांग रहा लेंगे और नहीं अगर मोहसिन अली साहब जिता के आ गए तो टिकट तो छोड़े फिर तो पाकिस्तानी फैन टिकटॉक टिकटिक कर देंगे तो ये पाकिस्तानी नहीं इंडियन फैन के जो बोलता है करके दिखाता है छोड़े पाकिस्तानी फैंस को ये तो मुझे जानते हैं जो नहीं चुनने मुन्ने जानते हैं ना उनको जो कोहली की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते वो मेरी क्या करेंगे बेचारे गरीब आदमी की। तो भाई लिखो तुम लोग सोशल मीडिया पे आज भरमार कर दो पीसीबी को टैग करके कि मोहसिन अली साहब को कोच बना के भेजा जाए और मैं बिल्कुल संजीदा फेस बना के ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग लिखें सात मिलर द किलर भी गए और 4 आउट कर गया अपना ये और वो मिलर को आउट कर गया वैश खान वाह जी वाह 7-58 पे भाई इंडिया वालों 89 से नीचे आउट कर देना यार तो लेकिन अगर मोहसिन अली साहब आपके ज्वाइन करने के बाद भी हार गई तो फिर हम आपको उसी तरह क्रिटिसाइज कर सकते हैं जैसे आप फीस का भाई जान आप जो जिंदगी में आपने लैंग्वेज नहीं यूज की वो यूज करना लेकिन 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 अगर मैंने जो कहा वो कर दिया फिर क्या करेंगे आप फिर क्या करेंगे अगर मैंने अपनी बात प्रूव कर दी वो बताएं वो तो होनी नहीं है तो इसलिए मैं जो होना है उसकी यार बात ये है कि रिजवान अगर नहीं मोहसिन अली बोल रहा है मैं कह रहा हूँ ये होगा तो मुझे पता है कि मैच फिर भी हार जाना हमने तो भाई जान आपको देखे जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं बाद में देखेंगे ये वीडियो उनके पास अमानत है रिजवान हैदर को पूरा हक हासिल है कि वो जितने सख्त लैंग्वेज है अगर मैं नाकाम हो जाऊं यूज करे और अगर मैं कामयाब हो जाऊं सिर्फ इतना कह दे कि भाईजान ठीक कह रहे थे। जीएस कह जी नाम मोहसिन आप तो रिजवान हैदर के सिवा रावलपिंडी स्टेडियम में नहीं बता चुका हूं मैं आपको जाते पाकिस्तान में मैच देखने तो आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे अपना मजाक मत उड़ाइए नहीं देखें ये इस तरह की बात आपको नहीं लिखनी चाहिए मोहसिन अली साहब काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अभी जो भी चेयरमैन बनता है उनके साथ इनके डायरेक्ट रابطہ होता है फोन वगैरह पे मैसेज वगैरह पे और ये कोई बड़ी बात नहीं है स्टेडियम में जाना ये अब उस लेवल से हम लोग काफी ऊपर निकल चुके हैं स्टेडियम में गए नहीं गए ये वो ये बच्चों वाली बातें हैं तो अभी तो हम दूसरों को मतलब स्टेडियम में ले जाने वाली स्टेज से भी आगे गुजर चुके हैं तो खुद तो जाने वाली बात ही नहीं है तो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है ये मोहसिन साहब के सिग्नेचर से पिंडी इस्लामाबाद के कई आने वाले जो नए बच्चे थे जिनको चांस नहीं मिलता था तो ये उनके पासेस बनवाया करते थे
तो जो बात ठीक है वही बात करनी चाहिए, तो इस तरह छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। सर वाई नो एप्रिशिएट अप्रोच बाय नो प्री मेडिएशन प्रिपरेशन अगेंस्ट द सेम 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 डाउनफॉल व्हाटसोएवर विद अगस्त इंग्लैंड वेदर होम और अवे नो इम्प्रूवमेंट। जी राजेश खन्ना साहब, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, बात आपकी ठीक है और उसकी मेन बेसिक वजह यह है कि ये इस काबिल नहीं, और तीन चार बातें ये मिल मिला के सारी उसका मजमुआ यही है, ना पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी है। जैसी गवर्नमेंट आती है कोई वो चेंज हो जाता है चेयरमैन, तो ना पॉलिसीज में कोई कंटिन्यूटी है, वही हाल प्लेयर्स का है, वो भी अंधों में काने राजे वाली बात है। बाबर आजम हमारी टीम का बेस्ट बैट्समैन है लेकिन वो भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, दुनिया में अब और भी बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन है, तो ना इनका स्किल सेट उस लेवल का है, ना ये इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो वसीम वकार शुएब वगैरह भी बोलते रहते हैं, अभी बॉलर तुम लोग 125-30 वाले बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, है कोई नहीं, ना कोई बॉलिंग में है ना कोई बैटिंग में, वो वाले जमाने चले गए, यूसुफ वगैरह ये वो 33-34 हुए हैं जी यूनुस के, इंजमाम वगैरह, उस तरह के ना बैट्समैन है ना कोई बॉलिंग है ना उस तरह के स्पिनर है। स्पिनर में आप पास्ट में देख लें, सकलान सईद मुश्ताक वगैरह, उससे पहले अब्दुल कादर, फास्ट बॉलर की लंबी लिस्ट है, मैं नाम ही नहीं टाइम नहीं जाया करना चाहता। बैटिंग में मैंने आपको कुछ नाम चंद गिनवाए, मतलब उम्मीद रहती थी अच्छा करेंगे, तो बहुत डाउनफॉल आया बैटिंग फास्ट बॉलिंग में स्पिन बॉलिंग में, हमारा स्पिनर ही कोई नहीं है इतने, वर्ल्ड कप हम जाके अभी खेल के आए हैं बगैर स्पिनर के, बिल्कुल फुल टॉस ही ले गए। ये जरा पढ़ दें, आपको मजा आएगा, ये आप पढ़ दें प्लीज। ओ नजर नहीं आ रहा, पढ़ दें, रिफ्लेक्शन आ रहा। मोहम्मद हफीज, वी आर नॉट हियर टू, वी आर हियर टू बीट ऑस्ट्रेलिया, नॉट ओनली कंपीट, वी आर रेडी फॉर द चैलेंज, द वन एंड ओनली डेढ़ फुटिया मोहम्मद हफीज। टीवी में बैठ के पीटीवी से 1.5 करोड़ खा के समझ रहा था 50 लाख महीना तनख्वाह लेगा पीसीबी से तो लोग इसे छोड़ देंगे, द बिगेस्ट हाइपोक्रेट इन पाकिस्तान, ये इंजमाम और मिसबा से भी बड़ा मुंह है। मनोज, एनी चांस फॉर पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? नो चांस। पिछली दफा अच्छा चांस था जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड ने घर में आके खेलना था, इन्होंने बांग्लादेश वेस्ट इंडीज और श्रीलंका जाना था, तब नहीं किया तो अब क्या करेंगे ये? ये कंटो पहन के आपका कोच क्या कह रहा है? वी कुडंट एक्सक्यूट अवर स्किल्स, वी मेड द प्लान फॉर द टीम बट अनफॉर्चुनेटली एज अ टीम वी कुडंट एक्सक्यूट अवर प्लान्स, ऑब्वियसली द गाइस वांटेड टू बट दे नेवर अप्लाइड, टू बी ऑनेस्ट एज अ टीम वी मेड अ कपल ऑफ टैक्टिकल एरर्स, देयर वर सर्टेन सिचुएशन वेयर वी कुड हैव डोमिनेटेड। बाबर आजम का बाप आ गया, डोमिनेटेड डेफिनेटली, ये लफ्ज हमारी जान नहीं छोड़ेगा। बाकी मनोज आपने काफी बेहुदा बात लिख दी है, बाबर बेटर देन विराट, तो अब मैं इसमें इतना ही बोलूंगा कि बड़ी बेहुदा बात लिखी है आपने, बाकी मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। अर्शदीप इज ऑन फायर जी। करण साहब आज तो ऊपर से ही 2 विकेटें फिर और भी तो 4 विकेटें ले, 3 विकेटें लेनी है बच्चों, तुमने जो मर्जी करो, बीट पे बीट कर रहे हैं महाराज साहब, सोच रहे हैं। Guys, where do you see this Pakistani team moving forward in this test series? Do you guys expect any sort of comeback or thrashing to continue? Ji bataye bhai, koi comeback hoga? Dekhe mera khayal hai Sydney mein aur Melbourne mein Pakistan ka kafi chance hai, honestly speaking, on a very serious note. Agar ye jo available 18 hai isme changes kar de aur Hafiz jaise bade bowlers ko kahe काफी चांस क्या है, पूरी बात किया करें ना, जीतने का या ड्रॉ करने का क्या चांस है पूरा? जीतने का तो बहुत कम चांस होता है ना, रियलिस्टिकली ड्रॉ का ही चांस होता है, मिसफील्ड हुई है चौका आ गया तो पूरी बात बोला करें ना कि पाकिस्तान का काफी चांस है ड्रॉ करने का। ड्रॉ का यार, जीत का आप एमए बीच में तड़का डाल देते हैं, अपने मुंह की बात मेरे मुंह में डाल देते हैं, आपको पता है जीत का चांस कम है, पाकिस्तान का काफी चांस है क्या करने का? तो जी सही कह रहे हैं मोहसिन साहब, चांस है पाकिस्तान का कुछ, शायद ड्रॉ एक आधा मैच कर जाए सिडनी वाला शायद, वरना 3-0 तो पक्का ही है, उसमें से अगर कुछ ये हटा के कुछ कर देंगे 2-0 कर देंगे तो हम उसी से खुश हैं,
लेकिन इस मैच की निस्बत जरा थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे, इस मैच की निस्बत कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। रिचर्ड कैटलबर और इंडिया का साथ जारी है, अवैश खान साहब चौके के बाद एक वाइड का साथ जारी है। जी प्रेम साहब, अब 7 आउट है 65 पे, आप का मैसेज पहले आया हुआ था। अली नामदार कहेंगे ना मौसम भाई, रिस भाई दफा करें, थोड़ा मार्जिन दो फर्स्ट, तो ठीक है। हमने कौन से चक मार दिया इसको, दंडियां काट दी इनको, हमने कौन सी इनको दंडियां काट दी हैं, बस बात ही कर रहे हैं। अरुण गर्ग कह रहे हैं जनाब, यार मोहसिन भाई कुछ सेंस की बात करें, कौन बनाएगा आपको पीसीबी चेयरमैन, कुछ तो सोच के बोले। अबे नामाकूल नमन गर्ग, बेवकूफ स्टूपिड, पता नहीं कहां से बेचारे सारा दिन मेहनत करवाता है और रात को 100 या 50 पकड़ लाता है। मैंने कब कहा मैं पीसीबी चेयरमैन बनूंगा, मैंने तो ये कहा ही नहीं, कोच भी नहीं कहा, मैंने तो मेंटोर वाली बात की है रिजवान साहब, मैं तो कोच का लफ्ज भी नहीं यूज किया। नहीं भाईजान, तो मेंटोर को तो फिर वो इजाजत नहीं होती चेयरमैन, तो मैंने नहीं कहा ना भाईजान, मेंटोर को इजाजत नहीं होती कि प्लेयर चेंज करे, वो कोच ही कर सकता है, तो फिर आपको कोच ही करना पड़ेगा। मेंटोर काम सारा कुछ मुझे कर दे, चेयरमैन तो मैंने नहीं कहा कि मैंने मांगा है चेयरमैनशिप। हां यार चेयरमैन नहीं बोलेगा जाके ड्रेसिंग रूम में और कोच का डग आउट में, चेयरमैन का नॉनसेंस आप है, सेंस की बात आप करते घर साहब, आपके अंदर कीड़ा है मोहसिन अली का। 360 बनाए या 360 से हार जाए, फीलिंग सैड फॉर पाकिस्तान फैंस। जी ये बस यादव साहब हमारा बुरा हाल है शुरू से, यही हमारी बदकिस्मती है। अंदलीप कह रहे रिज ब्रो, आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू बी इन ऑस्ट्रेलिया टू कवर द नेक्स्ट ईयर्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, इट वाज रियल फन टू वॉच गाबा का ढाबा, स्टिल वन ऑफ द बेस्ट वॉच्ड वीडियोस। जी थैंक यू वेरी मच। बाकी है कि बाकी मल्टी कंट्रीज टूर्नामेंट ICC वगैरह में, उसमें ज़रा पॉसिबिलिटी होएगी, इस तरह तो फिर ज़रा मुश्किल होगा जाना। अच्छा जी सुनल की अंगत कह रहे हैं आप एनालिसिस बंद करिए, इस काबिल ही नहीं आपकी टीम। हाँ तो इस काबिल नहीं है तो ये भी तो बताना होता है कि नहीं बताना होता कि इस काबिल नहीं है, तो फिर जो आपने बात कही है कि इस काबिल भी नहीं टीम, तो टेक्निकली ये भी एनालिसिस ही है जो आपने बात कही है, तो फिर आप भी ये बात कहना बंद करें कि पाकिस्तान की टीम इस काबिल ही नहीं है। इन अ वे यू आर ऑल्सो गिविंग योर ओपिनियन, तो एनालिसिस भी यही होता है दैट यू आर गिविंग योर ओपिनियंस, तो अगर आपने अपनी ओपिनियन पास की है तो हम क्यों ना करें, आप भी तो वही बात कर रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इस काबिल ही नहीं है, तो हम बस उसको एलैबोरेट कर रहे हैं कि क्यों इस काबिल नहीं है, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, सोच में, अप्रोच में, स्किल सेट में, तो हम उसको ज्यादा एलैबोरेट करके बता रहे हैं, बात तो वही कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही बात आपने लिख दी और आप कह रहे हैं जी बंद करें एनालिसिस, इस काबिल ही नहीं है टीम, तो बताना तो होता है ना इस काबिल क्यों नहीं है टीम। अच्छा जी ऋषि अरोड़ा आपसे पूछ रहे हैं जी, जब से मैं पतलून में हूं मोहसिन भाई निक्कर में आ गए हैं, वैसे मोहसिन भाई विच पोस्ट यू वांट टू टेक, सिलेक्टर, कोच, चेयरमैन, और या ये देखें मजाक भी उड़ा रहा है। ऋषि अरोड़ा अगर मुझे मौका मिले पहले तो मैं आपकी पोस्ट को ठीक करूं, फिर मैं बाकी चीजें ठीक करूंगा। कह रहे हैं या तो आप वो नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आप जवाब मेरे को देने दे, आप अगर मुझे मौका दें पहले तो मैं आपकी पोस्ट को अच्छी तरह, मुझे पता है अमेरिकन्स ने आपकी जो है ना पिछले 4-5 महीने में अच्छी तो भाई मैं कोई पोस्ट लिए बगैर अरोड़ा साहब पाकिस्तान की क्रिकेट की मदद करना चाहता हूँ। लाल से चौका आ गया भाई जन, अरोड़ा यार इस तरह की बातें ना लिख, बहुत शरारती वाले मैसेज ना कर, सीरियस बात नहीं, चौका ही आया बैट से, लात पे किया। सिनी रमैया भैया कह रहे हैं रिजवान भी मौसम भाई स्लाइटली ऑफ टॉपिक, नो सिराज और ड्रिंकू, नॉट हैप्पी विद द टीम इवन इफ इंडिया विन टुडे, और पांड्या कैप्टन मुंबई इंडियन एंड प्रोबब्ली इंडिया T20 कैप्टन, इसने तो वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो जाना है,
why is he even in 30 probables? Kamal ji. हाँ जी भाई, दो तीन बातें लिखी हैं, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? नो सिराज, रिंकू नॉट हैप्पी विद द टीम इवन इफ इंडिया विन टुडे, और पांड्या कैप्टन है माय प्रोबेबली इंडिया टी20 कैप्टन, इज ही द इंजर्ड हो जाए। देखिए जी, पांड्या किसी सूरत में मुंबई इंडियन का कप्तान नहीं होना चाहिए अंटिल अनलेस रोहित शर्मा इज देयर। और उसका आज जो सचिन रमेश तेंदुलकर ने जो मुंबई की आन बान, इंडिया की तो है ही है, ऑब्वियसली मुंबईयन भी है तेंदुलकर, अगर उन्होंने मेंटोरशिप छोड़ दी है तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दैट। एंड देखें, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, मैं तो इंडिया क्रिकेट टीम में इस वक्त दो लोगों को जानता हूं, एक है रोहित शर्मा, एक है विराट कोहली, दैट्स इट, और मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। आगे आ जाए जनाब, आप फरमा रहे हैं कि इंडिया जीतेगा तो आप हैप्पी नहीं होंगे, मैं बहुत हैप्पी होऊंगा, वो इसलिए कि इतनी हल्की बॉलिंग लाइन से, इतनी हल्की बैटिंग लाइनअप से, जो दो चार ही आपके मेन है इसमें, अगर आप अर्शदीप जैसा चार और अवैध जैसा तीन विकेट ले चुका है तो माजरत के साथ आई विल बी वेरी हैप्पी, क्यों कि क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट बिलोंग्स, ये नहीं हो सकता मैं क्रेडिट ना दूं। मेरे लिए इंडिया की क्रिकेट और मुंबई इंडियंस की क्रिकेट बियॉन्ड रोहित शर्मा है ही नहीं अभी एट प्रेजेंट, दैट्स इट। पहले आपने विराट कोहली का बेड़ा गर्क किया, असल में आपने इंडिया का बेड़ा गर्क किया, नाउ यू आर अप इन आर्म्स टू डिस्ट्रॉय रोहित शर्मा, नो यू आर डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर्स, ये इतने हजार अरब करोड़, उतने हजार अरब करोड़, इट मेक्स नथिंग इफ यू डोंट विन द टाइटल। एंड नाउ इफ समबडी गिव्स मी दिस के जी वो टाइटल तो इन्होंने भी, बेटा आप ये 2024 वर्ल्ड कप में T20 के भेजे इसको, विराट रोहित को छोड़ दें, ये भेज दें सारे नन्हे खान रिजवान, ये सेमीफाइनल खेल जाएं, ये जो कहेंगे मैं दूंगा। हाँ श्रीनिवास भैया, ये काफी आपने लॉजिकल बात की है कि उसके जो फिटनेस के मसाइल हैं वो तो 20 टूर्नामेंट में कमर पकड़ के बैठ जाता है, टांग पकड़ के बैठ जाता है, तो बड़े मसाइल हो सकते हैं। बाकी देखो, वैसे तो फ्रेंचाइज का अपना ही फैसला है, लेकिन एक बंदे ने 5 दफा वो चैंपियन आपको बनवाया, ही वाज द कैप्टन, तो इस तरह मतलब अजीब सा वो रवैया किया हुआ है। तो अब मुंबई इंडियन का अगर कप्तान हटा रहे हैं, अभी वो नेशनल टीम का आपका तीनों फॉर्मेट का कप्तान है रोहित शर्मा, तो उसको हटा दी है, जो कि अजीब सी बात है, और काफी प्लेयर्स ने भी उस पर अपना डिस्प्लेयर मतलब शो किया है। अभी मोहसिन भाई जैसे बता रहे हैं, तेंदुलकर बड़ा नाम है मुंबई के साथ ही इतने अरसे से, उन्होंने भी अगर आपने आपको डिसोसिएट कर लिया तो ये बड़ी बात है। बाकी अच्छा नहीं हुआ ये काम जो है ना, ये टीम में दरार पैदा कर सकता है। मुंबई इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा, ये नेशनल टीम की भी बात कर रहा हूँ, तो दरार पैदा कर सकता है ये काम जो हुआ है, अच्छी बात नहीं है, नहीं है। और फैंस लगे हुए धड़ाधड़ अनफॉलो करने में, आठवां भी आउट हो गया, अवैश ने चौथी विकेट ले ली और गए महाराज साहब, महाराज की जय हो, ये बस 15 रन के अंदर अंदर आउट कर दें दो विकेटें बस, तो ये कुछ प्लीजिंग डेवलपमेंट नहीं है। वैसे ये तो डॉली कैच दी है, मेरा ख्याल है एहसान की है, सामने बिल्कुल पकड़ा दिया। हाँ जी, तो ये अच्छी अच्छी बात ये नहीं है श्री मैया जी, आपसे मैं इत्तेफाक करता हूं। राजेश का नाम कहने सर, योर ओपिनियन व्हाई देयर इज नॉइज आफ्टर डिफीट, मेंशनिंग दैट बाबर इज मेंटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज़ ही इज आउट फ्रॉम कैप्टेंसी एंड ऑल दिस, दिस इज अ बिग टूर, व्हाई नो सीरियसनेस एंड मैनेजमेंट, पुअर क्वालिटी इन ऑल फर्स्ट टेस्ट। राजेश कनान साहब, हार के बाद शोर शराबा क्यों है? शोर शराबा पहले भी मच रहा था, हमने तो नहीं बोला कि पाकिस्तान जाके जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, अगर किसी ने बोला है तो वो उसका खुद जिम्मेदार है, हम तो पहले जो बातें कर रहे थे मोर और लेस वैसी वैसी बातें ही हुई हैं। हम तो आपसे यही अर्ज कर रहे थे कि ये मैच जब 487 किया ऑस्ट्रेलिया ने, वो मैच बस जीत गए उसी मोमेंट पे, 500 कर लिया तो पाकिस्तान में तो इतना दम नहीं है कि दो बारियों में भी उतना करे। बाबर आजम की जहां तक बात है कि कप्तानी, और कप्तानी
उससे ले लिया, अगर उसको बड़ा दुख है, सुनने में आ रहा था कि पहले वो कह रहा था मैंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं जाना, तो लोग फिर भी उसका मजाक उड़ाते कि भाई ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आई है तो ये बहाना करके साइड पे हो गया। अब वो कप्तान नहीं है, उसको सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करना है, उसको अच्छे रन करने हैं, वरना ये सब फजूल बातें हैं कि जी अभी वो दिमागी हालत ठीक नहीं है, अभी डिस्टर्ब है, मेंटली ये है तो वो है। भाई मेंटली क्या डिस्टर्ब हो, बस कप्तानी चली गई है तो कोई कोई बहुत ज्यादा कोई नाइंसाफी नहीं होगी आपके साथ। घर में वाइट वॉश हो रहे थे आप जब इंग्लैंड से, तो कप्तानी गई है तो ठीक हुआ, आप इस काबिल नहीं थे कप्तानी में, आपने फैसले अच्छे नहीं किए, आपकी टीम का बुरा हाल था, तो अभी एज अ बैट्समैन तो अच्छा करो कुछ ना कुछ। ये बहानेबाजियां हैं जी, वो मेंटली डिस्टर्ब है तो ये है तो वो है, कोई मेंटली डिस्टर्ब डिस्टर्ब नहीं है, और बहानेबाजियों से बाहर निकलें और परफॉर्मेंस करके दिखाएं। पाकिस्तान नीड थ्री प्लेयर्स, वन ओपनर, वन गुड सीमर एंड वन लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन, आई थिंक दे नीड टाइम एंड टीम शुड डू बेटर इन सिडनी। जी गुप्ता साहब, कोई एक दो तब्दीलियां करें, और रिजवान डिजर्व करता है कि उसको मौका मिलना चाहिए, सरफराज को चलो ये घर में जब खेलेंगे फटा पिचेस पे कोई आगे तो सरफराज को मौका दे दें। अभी ऑस्ट्रेलिया में रिजवान ने लास्ट टाइम अच्छा खेला हुआ है, 90s में भी रन्स किए, तो उसको मौका मिलना चाहिए, एक आधा अच्छा कोई वसीम जूनियर वगैरह को या चलो हसन अली को किसी को डाले, कोई थोड़ी अच्छी अप्रोच करें तो दे विल डू बेटर देन दिस मैच। ये बात ठीक है, क्रिकेट मैदान और शिवानी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही है कि हाई रीजन मोशन सर, इज देयर परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, इज दिस परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान नंबर वन लैक ऑफ स्किल, नंबर टू लैक ऑफ टेम्परमेंट, थ्री लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ प्लानिंग, और इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, योर थॉट्स ऑन दिस। इतना लैक लैक आपने लिखा है और हमारी जो टीम का लक टूट गया है तो उस पर आपने नहीं लिखा, तो जी ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस है या कुछ और है मोहसिन अली साहब? देखिए जी, इसमें प्लानिंग बिल्कुल सच, इसमें प्रिपरेशन बिल्कुल सच, टेम्परामेंट बिल्कुल सच, लेकिन देखिए स्किल्स वाइज, अब आप ये ना कहना कोहली जैसी स्किल्स हैं या इंडियन जैसी, ये बेवकूफों वाली बात होती है। स्किल वाइज मैं समझता हूं कि इतना मसला नहीं है, और हफीज कह रहा है हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं, बा हमने एक्सिक्यूट नहीं किया, हम करेंगे। तो बात यह, जब इस तरह के बड़बोले लाउड माउथ्स आर देयर, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ये समझ रहे थे हफीज टीवी में से निकलेगा, शानुदा किंग अंग्रेजी बोलेगा और बाबर आजम 200 मारेगा, इमामुल हक 150 मारेगा, अब्दुल्ला शफीक 70-80 करेगा तो हम जीत जाएंगे, तो वो फिर ओए होए व्हाट अ रिपर ऑफ अ डिलीवरी यार, मजा आ गया। तो भाई ये सारी चीजें हैं शिवानी जी, स्किल्स छोड़ के। जी शिवानी, अब इसमें सारी बातें ठीक है, तैयारी भी नहीं करते, अभी ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले 5-6 दिन का कैंप लग जाता है जी, आज हो जी, उससे क्या सीखेंगे, ना बॉलिंग में दम है ना बैटिंग में कोई जान है, फील्डिंग हाथों से कैच छोड़ने हैं, और हर एतबार से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, अगर आप पाकिस्तान का हर एतबार से कंपैरिजन करें तो हर एतबार से ऑस्ट्रेलिया सुपीरियर है, बैटिंग में, फास्ट बॉलिंग में, वो नथन लॉयन स्पिन बॉलिंग में वो आउट कर रहा है हमारा, मतलब किसी एक डिपार्टमेंट में भी वो हमसे हल्के नहीं है, फील्डिंग में भी तगड़े और मेंटली तौर पे भी टफ, हर एतबार से वो सुपीरियर है। तो ये जब तक अपने आप को उस लेवल पे लेके नहीं जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे, तो इसी तरह जिल्लत वाली हार ही आती रहेगी, फाइट भी नहीं करेंगे ये। चांसेस ऑफ इंडिया विन टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका, कटन निकाम जी, चांसेस हैं, बिल्कुल हैं चांसेस, चांसेस हैं बिल्कुल। शामी जो इंजर्ड हो गया ये जरा सेटबैक है, लेकिन उधर भी वो निगीडी रबाडा का कुछ कह रहे हैं कि गड़बड़ है, तो जी चांस है, बिल्कुल है चांस, एटलीस्ट दैट वुड बी अ कंपेटिटिव सीरीज than this Pakistan or Australia one-sided series, तो कुछ देखने में जरा मजा तो आएगा। नवनीत राव कह रहे हैं रिज भाई, ask मौसम भाई to remain cool as these Pakistani players are not good enough to fight back outside Pakistan. Love from India to both of you. बाकी मनोज ने बात तो बेहुदा की थी, बाबर better than कोहली, मनोज कौन है भाई?
वो जिसका आपने कहा कि बाबर कैसे बेटर हो सकता है कोहली पे, सुपर चैट तो मैंने उनको बोला ना कि बेहुदा बात की थी जी, वो यही कह रहा है ना, आपकी बात ही को एंडोर्स कर रहा है ना। हाँ यार कूल ही है, हमने कौन सा कोई इनको चक या दंडी काट दी है प्लेयर्स को, अब इतना भी ना बोलें। 89 पे आउट हो गई है टीम, एक सेशन में आउट हो गई है, शर्मिंदगी से भरपूर परफॉर्मेंस है, तो अब हम क्या करें, इतनी सी बात भी ना करें इनको, इतने ही ये सेंसिटिव है तो फिर छोड़ दें ये खेलना। अभिजीत सिंह का भी मैसेज है तो ठीक है, आपने लिखा कुछ नहीं है तो उधर तो ऑलमोस्ट फटा चुका ही गया है, काम तमाम ही हो गया है, 8 आउट है, लिंगर ऑन चल रहा है हल्का हल्का सा। अविनाश तिवारी अंकल भी है, बिलीव करने में दुखता है कि पाकिस्तान टीम को लिए लव, बिलीव करे मन दुखता है जी, बिल्कुल जी, मन दुखने वाली स्टेज से काम आगे निकल गया है। और अब तो वो आतिफ असलम का गाना जी, अब तो आदत सी है ऐसे जीने की, तो अब तो आदत सी है ऐसे जीने की भाई। अविनाश तिवारी अंकल जी, अब तो इसमें कुछ नयापन लगता नहीं है, अब तो नयापन कुछ तब ही लगेगा कि जब हम ऑस्ट्रेलिया को रोक लेंगे जीतने से। अब देखो कि वो इस सीरीज में अगर हो पाता है या पता नहीं फिर कब कभी हो पाएगा, तो हम निकर में घुमा करते थे जब हम पहला मैच 95 में जीते ऑस्ट्रेलिया में, तो अभी तो देखो हमारे बच्चे हो गए हैं, वो अब निकरों में घूमते हैं, तो अभी तक तो नहीं जीते, अब देखो उनकी जवानी से पहले पहले जीत जाते हैं कि नहीं। एनीवेज फिर मुलाकात होती है ना वाइल, आप दोस्त फिर देखें जो बाकी दो विकेट बची हैं, आप मजे ले उसके, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम, टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।